बड़ी खबर आ रही है जहां वफ पर जेपीसी बैठक में हंगामा हुआ है। इस बैठक के दौरान नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने हैं और सत्ता और विपक्ष की बहस हुई है। बातचीत के दौरान ये बात बढ़ी है, टेबल पर रखी हुई बोतल तक गिर गई है और कल्याण बनर्जी से ये नोकझोंक हुई। कल्याण बनर्जी को खरोंच भी आई है। अभिजीत गंगोपाध्याय और कल्याण बनर्जी के बीच में ये नोकझोंक हुई। आप तस्वीरें जरा देखिए, कल्याण बनर्जी के हाथ में आप ये अंगूठे में आप पट्टी बंधी दिख रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी उनको हाथ पकड़ के ले जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। वफ बिल अमेंडमेंट पर ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक थी। इसके पहले जो बैठक हुई थी उसमें भी हमें ऐसी तस्वीरें सामने आई थी जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सामने आने के बाद विवाद हुआ था। अब ये तीन चेहरे, तीन सांसद आपको दिखाई पड़ रहे हैं, जहाँ एक आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, कल्याण बनर्जी हैं और असदुद्दीन ओवैसी हैं। ये झड़प के बाद की तस्वीरें हैं। ये टूटी हुई कांच का ग्लास आपको दिखाई पड़ रहा है। ये कांच की बोतल टूटी है बहस के दौरान और इसी बहस में, इसी नोकझोंक में कल्याण बनर्जी को चोट भी आई है। ये कांच की बोतल जिसमें पानी वहां रखा गया था, इसी बहस के बीच में टूटी और कल्याण बनर्जी को चोट लगी है। और ये बहुत बड़ी बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में चुने हुए जनप्रतिनिधि अगर एक कानून में संशोधन पर चर्चा करते हैं तो उस बीच में बहस इतनी तीखी हो जाती है कि बोतलें वहां टूटती हैं और एक सांसद को चोट भी लग जाती है। ये तस्वीर, ये दो तस्वीर पहले आप देखिए। पहली तस्वीर है जिस वक्त अभिजीत बनर्जी को ये चोट लगी और वो उस वक्त कमरे के अंदर ही थे, उनको शांत करा के कुछ खिलाया जा रहा है। उनके दाएं हाथ के अंगूठे में आप देखिए कि पट्टी बंधी हुई है जो आपको सर्कल करके दिखा भी रहे हैं। और दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं जहां पर कांच की वो बोतल टूटी। हालांकि अंदर क्या हुआ है, किस बात को लेकर के बहस हुई है, सांसदों को किसने शांत करवाया है और किस बात को लेकर के बीजेपी सांसद और कल्याण बनर्जी के बीच में बहस हुई है, वो कौन सा पॉइंट है, इस बारे में स्पष्ट चीजें हमारे पास बताने के लिए हमारे सहयोगी रविंद्र कुमार जुड़ चुके हैं। रविंद्र, क्या हुआ जेपीसी की बैठक के अंदर कि हालात ये पहुंच गए? देखिए, जब कटक बेस्ट उड़ीसा का जस्टिस इन रियलिटी एक संगठन है, उसके सदस्य वक्त पर अपनी बात रख रहे थे, उसको लेकर अभिजीत गंगोपाध्याय ने अपनी कुछ बातें रखी, उसका विरोध कल्याण बनर्जी ने किया। ऑपोजिशन ने ओवैसी हो या दूसरे लोगों ने भी इसका विरोध करने लगा, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। और ऐसे में नोकझोंक काफ़ी बढ़ गई, तूतू मैमे होने लगी। और कहा तो यह जा रहा है सूत्रों के अनुसार, हालांकि इसकी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है, कि जेपीसी के सदस्य कल्याण बनर्जी जो हर टेबल पर जो शीशे का गिलास रखता है, पानी रखा रहता है, उसे उठाकर उन्होंने फेंका, ऐसे कहा जा रहा है बीजेपी के सदस्यों द्वारा, सूत्रों से जानकारी मिल रही है। वहाँ तक कि कहा जा रहा है कि चेयरमैन के पास उन्होंने फेंका जगदम्बिका पाल की तरफ, हालांकि इसकी पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन कांच के शीशे, कांच का जो बोतल है, गिलास है, वो टूटा, उससे खरोंच गंगोपाध्याय को भी आया और कल्याण बनर्जी को। ये एक परिस्थिति ऐसी बन गई जो आप देखें कि ये पहले संसद में भी लोकसभा या राज्यसभा में कुछ बिल को लेकर ऐसी परिस्थितियां बनती थी, लेकिन अब जेपीसी में जहां पर केवल समर्थन या विरोध किया जाता है, तर्क और वितर्क किया जाता है, लेकिन आज इस पर कांच की बोतल भी फेंकी जा रही है, ग्लास भी टूट रहा है, खरोच भी आ रही है, तूतू मैमे हो रहा है। तो कहीं हर मीटिंग के साथ जो इंटेंसिटी है नोकझोंक की, जो बातचीत की इंटेंसिटी, वो बढ़ती जा रही है। मैं रविंद्र लौटू आपके पास। ये दो तस्वीरें जरा मैं दिखा रहा हूं, एक तस्वीर जो आज की है और बैठक के बाद की है, तो उसके पहले की तस्वीर आप देख रहे हैं जो 15 अक्टूबर को थी, उस वक्त भी बहस हुई थी। आपको याद होगा, आपको जी न्यूज पर हमने बताया था कि कैसे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक रिपोर्ट में नाम सामने आने के बाद हंगामा हुआ था और सांसदों ने उस मीटिंग को छोड़ दिया था। ये जेपीसी के चेयरपर्सन है जगदम्बिका पाल, ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं। और ये जरा आप कल्याण बनर्जी के जिस वक्त वो कमरे के अंदर थे, उस वक्त की तस्वीर में दिखा रहा हूं आप। ये कल्याण बनर्जी को जब चोट लगी, और ये बताया जा रहा है, जैसे कि हमारी सहयोगी रविंद्र बता रहे हैं, कि कल्याण बनर्जी और अभिजीत गंगोपाध्याय के बीच में तीखी बहस हुई थी। टेबल के ऊपर जो कांच की बोतलें रखी थी पानी के लिए, उनको फेंका गया। रविंद्र, जरा दर्शकों को बताइए कि अंदर का जो सिनेरियो है, जो सूत्र बता रहे हो, क्या बता रहे हैं, किन दो सांसदों के बीच में बहस हुई और ये बोतल किसने उठाकर फेंकी और किसकी तरफ फेंकी? देखिए, अभिजीत गंगोपाध्याय बीजेपी के सांसद हैं,
बंगाल से आते हैं और टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ये भी बंगाल से आते हैं, तो बंगाल में जो बीजेपी की जो सियासत है या टीएमसी की जो सियासत है एक दूसरे के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं जेपीसी में भी देखने को मिला। हालांकि यहाँ पर मुद्दा था वक्फ का समर्थन करना या विरोध करना, तर्क देना या फिर उसके खिलाफ बात करना, लेकिन ये नोकझोंक इतनी बढ़ गई दोनों सदस्यों के बीच में कि बोतल उठा के फेंका गया, ऐसी सूत्रों से जानकारी मिल रही है। फिर बार बार कर रही है जेपीसी है, मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है, तो पुष्टि करना काफ़ी मुश्किल है। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार जो शीशे का गिलास थी उसे फेंका गया, जिसे कल्याण बनर्जी को भी चोट आई। यहाँ तक कहा जा रहा है कि उसे जगदम्बिका पाल जो चेयरमैन है जेपीसी के उनकी तरफ फेंका गया। तो ये एक बड़ा एक सनसनीखेज और बहुत गंभीर मसला है। और एक बात और बता दूं अनंत, इसको लेकर बीजेपी के जो सदस्य है, बिल्कुल रविंद्र मैं लौटूं आपके पास। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां जेपीसी की मीटिंग के दौरान सांसदों के बीच में बहस होती है। सांसदों के बीच में बहस की इंटेंसिटी इतनी कि कांच की बोतलें तक फेंकी जाती हैं, अंगूठे में चोट लगती है और कांच की बोतलें टूट जाती है।